एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, लाइट कैसे चली गई। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डिड द पावर गो ऑफ, हाउ डिड द पावर गो ऑफ। नेक्स्ट, मेरे निजी मामलों से दूर रहो। इसको बोलेंगे स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल मैटर्स। मामलों मीन्स मैटर्स, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल मैटर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पीछे से बच्चे का ध्यान रखना। इसको बोलेंगे लुक आफ्टर द किड इन माई एब्सेंस। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, किड मीन्स बच्चे, एब्सेंस मारे मेरी गैर मौजूदगी में। लुक आफ्टर द किड इन माई एब्सेंस। खुद के लिए खड़े होना सीखो, खुद के लिए खड़े होना सीखो। इसको बोलेंगे लर्न टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। लर्न टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए या अपने आप के लिए खड़े होना सीखो। क्या आप इसका मतलब जानते हैं? ये सेंटेंस मोस्टली हम लोग अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो व्हाट दैट मीन्स। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स। क्या आप इसका मतलब जानते हैं? नेक्स्ट, उसकी बातों या उसके शब्दों का बुरा मत मानना। इसको बोलेंगे डोंट फील बैड अबाउट हिज वर्ड्स। डोंट फील बैड अबाउट हिज वर्ड्स मीन्स उसकी बातों का बुरा मत मानना। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम शादी करना चाहती हो या चाहते हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू वॉन्ट टू गेट मैरिड। डू यू वॉन्ट टू गेट मैरिड। सिंपल सा है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप बात को बड़ा क्यों रहे हैं मीन्स आप बात को बड़ा क्यों रहे हो। इसको बोलेंगे वाई आर यू स्ट्रेचिंग द इश्यू। इश्यू मीन्स किसी बात को या मुद्दे को बोलते हैं। स्ट्रेचिंग मतलब खींचना। आप किसी भी बात को क्यों खींच रहे हैं, उसका भी यही सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट, आपके साथ और कौन रहता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में बोलेंगे हु एल्स लिव्स विद यू। हु एल्स लिव्स विद यू। आपके साथ और कौन रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे साथ सिर्फ मेरे मम्मी और पापा रहते हैं। आप इसका रिप्लाई करेंगे तो बोलेंगे मेरे साथ सिर्फ मेरे मम्मी और पापा रहते हैं। इसको ओनली माई मॉम एंड डैड लिव विद मी। ओनली माई मॉम एंड डैड लिव विद मी। नेक्स्ट, जो हो गया सो हो गया। इसको बोलेंगे लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगा दो। मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगा दो। इसको बोलेंगे अप्लाई हेना ऑन माई बोथ हैंड्स। अप्लाई हेना ऑन माई बोथ हैंड्स। तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। इसको बोलेंगे तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वाई डिडंट यू अप्लाई हेना। मेहंदी को इंग्लिश में बोलते हैं हेना। वाई डिडंट यू अप्लाई हेना। आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। उसे लू लग गई। लू मीन्स आप जानते हैं जो गर्म हवा होती गर्मियों में चलती है, उसको लू बोलते हैं। तो उसको कैसे बोलेंगे सी सफर्ड फ्रॉम सन स्ट्रोक। लू को बोलते हैं सन स्ट्रोक। सी की जगह भी लगा सकते हैं आप, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको लगा सकते हैं। क्या तुम कभी विदेश गए हो। क्या तुम कभी विदेश गए हो। हैव यू बीन टू एब्रॉड एवर। एब्रॉड मीन्स विदेश या फॉरेन भी यहाँ पर बोल सकते हैं। हैव यू बीन टू एब्रॉड एवर। आप कभी विदेश गए हो। क्या तुम कभी विदेश गए हो। मैं एक बार विदेश गया हूँ। उसका रिप्लाई आएगा कि मैं एक बार विदेश गया हूँ। तो आप उसको क्या बोलेंगे आई हैव बीन टू एब्रॉड वंस। वंस मीन्स केवल एक बार गए या दो बार गए हैं, तो आप ट्वाइस भी लिख सकते हैं। जो भी जितनी लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। आई हैव बीन टू एब्रॉड वंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपका बच्चा कभी क्लास में ध्यान नहीं देता है।
आपके टीचर आपसे बोलते हैं कि आपका बच्चा कभी क्लास में ध्यान नहीं देता, उसको बोलेंगे योर चाइल्ड नेवर पेज अटेंशन इन द क्लास। पे अटेंशन मीन्स ध्यान देना, इन द क्लास कक्षा में, आपका बच्चा कभी क्लास में ध्यान नहीं देता है। दाल में ज़रूर कुछ काला है, ये idioms है या कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ये दोनों ही idioms हैं। इसको आप ऐसे बोलेंगे there is definitely something fishy, there is definitely something fishy, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है, यह दाल में काला है। वह मेरा जिगरी दोस्त है, जिगरी मीन्स बहुत क्लोज, जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उसको बोलेंगे ही इज़ माई बॉसम फ्रेंड या ही इज़ माई शैम, दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे बॉसम फ्रेंड जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नए सेंटेंस को लेते हैं, अलमारी में फफूंद है, इसको बोलेंगे कबर्ड हैज़ मोल्ड इन इट, कबर्ड हैज़ मोल्ड इन इट। नेक्स्ट, हमारा घर चूहों से भरा है या हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको हम किस तरीके से बोलेंगे, आवर होम इज़ इन्फेस्टेड विद माइस, माइस मीन्स प्लूरल होता है, माउस का प्लूरल होता है माइस, ठीक, आवर होम इज़। नेक्स्ट सेंटेंस, चूहे का पिंजरा रख दो, अगर आपके पास ज़्यादा चूहे हैं घर में तो क्या बोलेंगे आप, चूहे का पिंजरा रख दो, तो उसको बोलेंगे पुट द माउस ट्रैप या माउस कैज, पुट द माउस केज या पुट द माउस ट्रैप, दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं इसमें। क्या तुमने टीचर से हमारी चुगली की है या हमारी बातें वहाँ पर मिलाई हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू टैटल ऑन अस टू द टीचर। टैटल ऑन मीन्स किसी की चुगली करना या किसी की बुराई करना या किसी उसकी बातों को मिला करके बोलना होता है। बोलते हैं हम लोग क्या खेल है तकदीर का, ठीक, तकदीर का ये तो खेल है, मोस्टली बोलते हैं क्या खेल है तकदीर का, इसको बोलेंगे वाट ए स्ट्रोक ऑफ लव लक, वाट ए स्ट्रोक ऑफ लक। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, मेरे पास कोई और चारा नहीं है या मेरे पास कोई और चांस नहीं है। मुझे बिना बताए बाहर मत जाना, इसको बोलेंगे डोंट गो आउट विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, डोंट गो आउट विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, बाहर मत जाना मुझे बिना बताए, ठीक, ईजी है। अपनी हद में रहो, इसको बोलेंगे स्टे इन योर लिमिट्स, स्टे इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो। प्लीज़ मुझ पे भरोसा रखो, इसको बोलेंगे प्लीज़ हैव फेथ इन मी, प्लीज़ हैव फेथ इन मी, मुझ पर भरोसा रखें। नेक्स्ट, आस पास कचरा मत फैलाओ या कूड़ा मत फैलाओ, उसको बोलेंगे डोंट लिटर अराउंड, डोंट लिटर अराउंड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको बोलेंगे आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑफ दिस, आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑफ दिस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में, कुछ भी दोनों का अर्थ यही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या आप उतरने वाले हो, मतलब किसी भी वाहन से आप उतरने वाले हैं या वहाँ से हटने वाले हैं, तो बोलेंगे आर यू गोइंग टू गेट ऑफ, क्या फ्रॉम ट्रेन या बस या टैक्सी या एनीथिंग, कोई भी व्हीकल हो सकता है। हाँ, आप अंदर आ सकते हैं, कोई अंदर आने के लिए बोलता है तो आप क्या बोलते हैं, हाँ आप अंदर आ सकते हैं, यू आप बोलेंगे यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन, सिंपल है। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे कॉल करो, इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, एज सून एज यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन कॉल मी, एज सून एज यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन कॉल मी, जैसे ही आपको कोई खबर मिले मुझे कॉल करो, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वह मुझे सोने नहीं देता, वह मुझे सोने नहीं देता, हम लोग दूसरे से शिकायत करते हैं ना कि हाँ मेरे बच्चे हैं या कोई भी हैं कहते हैं वह मुझे सोने नहीं देता, तो उसको बोलेंगे
ही डजंट लेट मी स्लीप। आप जब तक रहना चाहें रह सकते हैं। ठीक, इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट। यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट। आप जितना चाहें उतना यहाँ पर रह सकते हैं। आप कैसा भुगतान करना चाहोगे या कैसे पेमेंट करना चाहोगे उसको हम बोलेंगे हाउ वुड यू लाइक टू पे। हाउ वुड यू लाइक टू पे। आप दुकानों पर जाते होंगे तो इस तरीके के सेंटेंस आपको सुनने को मिलते होंगे। मैं नकद भुगतान करूंगा, तो आप उसका रिप्लाई देंगे मैं नकद भुगतान करूंगा, मतलब कैश दूंगा। तो आई विल पे इन कैश या आई विल पे विद कैश, बाई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या चेक, कुछ भी हो सकता है, उसको आप लगा देंगे इसके आई विल पे इन कैश। अपनी धारणाएं मुझ पर मत थोपो या अपनी विचार मुझ पर मत थोपो, तो इसको बोलेंगे डोंट फॉइस्ट योर बिलीव्स ऑन मी। डोंट फॉइस्ट योर बिलीव्स ऑन मी। ठीक, फॉइस्ट मीन्स अपनी विचार या अपनी धारणाएं मुझ पर मत थोपो। इसको आगे वो देखेंगे मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो लोग कहते हैं ना मुझे छोड़ दो, जैसा हूँ मुझे वैसे ही छोड़ दो, तो उसको बोलेंगे लीव मी ऑन माई ओन या लीव मी इन माई ओन कंडीशन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद हिम या हर। ठीक, जैसा भी जेंडर हो उसी तरीके से आप हिम या हर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, उसने वेटर को इशारे से बुलाया। ठीक, वेटर को क्या बोलेंगे? वेटर, ही बेकन टू द वेटर। उसने बेकन मीन्स इशारे में, ही बेकन टू द वेटर, उसने वेटर को इशारे से बुलाया। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। इसको क्या बोलेंगे? आई एम ऑन क्लाउड नाइन टुडे या आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे। मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक, नेक्स्ट, मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ मत करो। ठीक, डोंट मैस विथ माई स्टफ। डोंट मैस विथ माई स्टफ, जो मेरा सामान है आप उसको डिस्टर्ब मत करो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो। नेक्स्ट, आपका बदला हुआ बर्ताव सही नहीं है। ये सेंटेंस मोस्टली हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, इसको बोलेंगे योर चेंज्ड बिहेवियर इज़ नॉट गुड। योर चेंज्ड बिहेवियर इज़ नॉट गुड, आपका ये बदला हुआ व्यवहार हमारे लिए सही नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस बोलेंगे जाओ जाकर जल्दी से मुझे नाश्ता ला दो। इसको बोलेंगे गो फास्ट एंड गेट मी ब्रेकफास्ट, जल्दी से जाइए और मेरे लिए नाश्ता लेके आइए। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, क्या तुम व्रत रखोगे या रखोगी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बहुत इजी है ये, आप मोस्टली शब्दों को बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? विल यू ऑब्जर्व फास्ट या विल यू कीप फास्ट, दोनों ही सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर जो आपके लिए सुविधाजनक हो। नेक्स्ट, सुबह 6 बजे की अलार्म लगा दो। इसको बोलेंगे सेट द अलार्म फॉर 6 AM। AM सुबह के लिए होता है और PM नाइट के लिए होता है, जानते हैं आप। नेक्स्ट, देखो धूप आई है या नहीं, धूप निकली है या नहीं। चेक विदर सनलाइट हैज कम और नॉट, धूप आई है या नहीं, धूप निकली है या नहीं, दोनों को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी स्वेटर पर रोएं हैं। रोएं आप जानते हैं जो धागे उड़ जाते हैं उनको बोलते हैं। देयर आर लिंट या पिल बॉल्स ऑन माई स्वेटर। देयर आर लिंट और पिल बॉल्स ऑन माई स्वेटर, दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, और किसने होमवर्क नहीं किया। स्कूल में हम लोग बोलते हैं, अपने दोस्तों में बोलते हैं, और किसने होमवर्क नहीं किया, इसको बोलेंगे हु एल्स डिडंट डू होमवर्क। हु एल्स डिडंट डू होमवर्क, ईजी है। नेक्स्ट, और कौन पार्टी में जा रहा है। और कौन कौन पार्टी में जा रहा है, जब हम कहीं पार्टी में शामिल होने जाते हैं, बर्थडे पार्टी हो या फिर मैरिड पार्टी हो, उसको बोलेंगे हु एल्स इज़ गोइंग टू द पार्टी। हु एल्स इज़ गोइंग टू द पार्टी। नेक्स्ट सेंटेंस, पानी गर्म हो गया है क्या।
पानी गर्म हो गया है क्या, इसको हम बोलेंगे हैज द वाटर बिकम हॉट, हैज द वाटर बिकम हॉट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगर हाँ तो पानी की रॉड बंद कर देना, जो रॉड होती है जिसको पानी में डाल के उसको पानी को गर्म करते हैं, तो कहते हैं अगर हाँ तो पानी की रॉड बंद कर देना। इफ़ यस देन टर्न ऑफ द वाटर हीटर रॉड, ठीक, अगर गर्म हो गया तो पानी की रॉड बंद कर देना। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे आगे हाथ जोड़ने की या विनती करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, इसको बोलेंगे देयर इज नो नीड टू बैग इन फ्रंट ऑफ मी, देयर इज नो नीड टू बैग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने विनती करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, भगवान को चढ़ावा चढ़ा दो, आप भगवान की पूजा करने जाते हैं वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो चढ़ावा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफरेटरी या ऑफरिंग, तो बोलेंगे ऑफर द ऑफरेटरी टू द गॉड या ऑफर द ऑफरिंग टू द गॉड, इन दोनों में से किसी भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। अब शर्त वाली आ जाती है, हम लोग बोलते लगी शर्त 500 की, इसको बोलेंगे लेट्स हैव अ बैट ऑफ रुपीज 500, लेट्स हैव अ बैट ऑफ रुपीज 500। नेक्स्ट सेंटेंस, शरारत मत करो या शैतानी मत करो, उसको बोलेंगे डोंट डू मिसचीव या डोंट बी मिसचीवस, यानी शरारती मत बनो। आज के लिए इतने ही सेंटेंसेस हैं बस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।